हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है रायपुर एक्सपो का है, और इसके पहले भी मैंने दो तीन वीडियो बना रखे हैं इसके ऊपर, लेकिन आज हम बात करेंगे स्टूडियो मास्टर के स्पीकर्स के बारे में। इस वीडियो में आप देखेंगे कि स्टूडियो मास्टर के जो लेटेस्ट स्पीकर्स हैं, मतलब कुछ नए मॉडल हैं और कुछ पुराने मॉडल वहाँ पर रखे गए थे। हालाँकि सभी मॉडल वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, लेकिन जितना भी स्पीकर्स था उसका मैं आपको प्राइस यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा और थोड़ा सा स्पीकर के बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वहाँ पे स्पीकर रखा गया था स्टूडियो मास्टर का SWF 18140। ये एक 1400 वाट का स्पीकर है। काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन और पंच इसमें देखने को मिलेगा। इसे आप फ्रंट या LF कैबिनेट किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। 5 इंच का इनआउट वॉइस कॉइल होता है, इस वजह से इसमें काफ़ी अच्छा आपको वाइब्रेशन मिलेगा और 1400 वाट RMS पावर ये आपको दे सकता है। बाकी कंपनी इतने बड़े स्पीकर को 2000 वाट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडियो मास्टर भी जो है एकदम ट्रू RMS शो करता है। नेक्स्ट स्पीकर है 18120, जो कि एक 1200 वाट का RMS पावर वाला स्पीकर है। इसमें भी आपको 5 इंच का वॉइस कॉइल देखने को मिलता है। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा पंच और वाइब्रेशन मिल सकता है। इसे आप लाइव प्रोग्राम और DJ सिस्टम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम वही कैबिनेट रहेगा, LF7, या फिर फ्रंट में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन आउटपुट यहाँ पे मिलता है। जो भाई इस वाले स्पीकर का यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। नेक्स्ट स्पीकर है हमारा सबसे पॉपुलर TWF 1815। ये सबसे पुराना स्पीकर है स्टूडियो मास्टर का। आज भी काफ़ी अच्छा मार्केटिंग है इसका, और 1500 वाट में ये भी एक बेस्ट स्पीकर है। इसमें भी आपको इन आउट वॉइस कॉइल के साथ 5 इंच का साइज़ देखने को मिलता है वॉइस कॉइल का, जो कि बेहतर है दूसरे अदर कंपनी के 1500 वाट के स्पीकर से। और ये भी आपको 1500 वाट RMS पावर दे सकता है। इसमें भी आप सेम कैबिनेट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्पीकर, जिसका प्राइस मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, 1000 वाट का स्पीकर है। पंच के लिए काफ़ी अच्छा है, इसे आप लाइव प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए आप सिंगल फ्रंट कैबिनेट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जैसे कि RCF मॉडल होता है। और इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसका वीडियो बनाया था हमने काला दानव के नाम से। तो ये स्पीकर है 18 इंच का न्यू मॉडल, जो कि 6 इंच वॉइस कॉइल में आता है। SWX 18200 2000 वाट RMS पावर ये आपको देता है। ये केवल DJ के लिए है, इसे आप केवल वाइब्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन अगर आपको चाहिए 18 इंच में तो आप इसका यूज़ कर सकते। ये आपको 21 इंच के बराबर वाइब्रेशन दे सकता है। और मार्केट में जितने भी 18 इंच के स्पीकर आते हैं ना 6 इंच वॉइस कॉइल में, उससे तो ये काफ़ी अच्छा ही है। 18 इंच में यहाँ पर केवल इतना ही स्पीकर रखा हुआ था दोस्तों। अब नेक्स्ट स्पीकर है जो कि 15 इंच का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SWF 1580। ये एक 800 वाट का स्पीकर है जो कि 15 इंच में आता है। 4 इंच का इन आउट वॉइस कॉइल होता है। काफ़ी अच्छा स्पीकर है, इसमें आपको लो मिड काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसे आप डुअल 15 में यूज़ कर सकते हैं। ये खास करके लिए DJ यूज़ में लिया जाता है, तो काफ़ी बेहतर पंच के साथ साथ इसमें आपको बेस भी मिलेगा। और नेक्स्ट स्पीकर है स्टूडियो मास्टर का ट्रेंडिंग स्पीकर है TMB 1555 टाइटन सीरीज़ का। ये काफ़ी बेहतर स्पीकर है। इसमें आपको 4 इंच वॉइस कॉइल में 550 वाट RMS देखने को मिलता है, जो कि पंच काफ़ी अच्छा देगा। और उसका छोटा भाई है SMB 1545। ये भी काफ़ी पॉपुलर स्पीकर है स्टूडियो मास्टर का। 450 वाट का RMS पावर के साथ में आता है। इसमें आपको लॉन्ग थ्रो मिड बेस काफ़ी अच्छा मिलता है। इसे आप डुअल 15 में यूज़ कर सकते हैं। ये भी लाइव प्रोग्राम और DJ सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और जो 1555 है ये तो पॉपुलर मॉडल है ही, ये आज भी बहुत अच्छा बिकता है। इसमें भी काफ़ी अच्छा तेज़ आवाज़ सुनने को मिलता है, जिसे आप कड़क मिड कह सकते हैं। उसके बाद अपना आ जाता है V58M 15 इंच में, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पीकर। ये 400 वाट का होता है 3 इंच वॉइस कॉइल में। और इसके बाद स्पीकर आता है जो कि है V26M। ये एक 12 इंच का स्पीकर है जो कि 300 वाट RMS पावर में आता है, और 3 इंच का वॉइस कॉइल इसमें देखने को मिलता है, जो कि आप लाइनर में यूज़ कर सकते हैं या डुअल 12 इंच में काफ़ी अच्छा बजेगा। अब आती है बारी बेस की। तो बेस का प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, फायर 85 का 51,080 रुपये। ये MRP है, इसमें 20% के आसपास कम होता है दोस्तों ऑफर प्राइस। तो यहाँ पर फायर 59 का टॉप है, काफ़ी अच्छा बज रहा था। ये भी डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक रखा गया है स्टूडियो मास्टर की तरफ से। वीडियो पॉज करके आप इसका डिटेल्स देख सकते हैं। काफ़ी सही है, इसे आप DJ और लाइव प्रोग्राम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि स्टूडियो मास्टर का प्राइस यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको डीलर के पास मिल जाएगा। सिंगल बेस है ये, स्कूप बेस है, या कह सकते हैं आप LD18 मॉडल, लेकिन ये मिनी स्कूप है स्टूडियो मास्टर की तरफ से। काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन ये दे रहा था इसमें। नेक्स्ट बेस आता है डुअल बेस 8028। इसमें ओरिजिनल RCF का स्पीकर लगा होता है दोस्तों,
जो कि 1500-1500 वाट का स्पीकर होता है, 4 इंच वॉइस कॉइल में। इसका टेस्टिंग आपने देखा था, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।